अतिथियों के द्वारा मुख्य अतिथि संजू मुंडा और विशिष्ट अतिथि गुलजार अहमद सहित करकमलों के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वितरण करते हुए और पहला गोल वाला भैया जो पहला गोल किया है खिलाड़ी आपका शुभ नाम क्या हुआ? एडविन तिर्की। एडविन तिर्की, आप महाराजा मदरा मुंडा इस रेंडो पत्रातु की पावन धरती पर इस स्टेडियम में आपने फुटबॉल खेले, आपको आज मैन ऑफ द मैच मिला। आपको जब मैन ऑफ द मैच मिला तो आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ये ग्राउंड के बारे में कैसा कहना चाहेंगे? ग्राउंड तो ठीक ठाक ही है, थोड़ा पानी में थोड़ा सुविधा होता तो अच्छा लगता। मैंने ग्राउंड में थोड़ा हार्ड है, इसमें थोड़ा नमी की जरूरत है जैसा आपका कहना है, और जिसे कुछ मैदान में थोड़ा सा घास का कमी दिखता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैदान में घास नहीं है उसमें खिलाड़ियों को कुछ खेलने में परेशानी होता है या नहीं या ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? घास लगाया जाए, घास लगाया जाए, उसे खेलने में थोड़ा सा आप लोग को सुविधा होगा। चलिए प्रयास जारी है। अब से हम और जानना चाहेंगे कि आप कोई क्लब से खेलते हैं या फिर कोई सुदूर टोला टाटी गाँव पर से खेलते हैं? मैं फार एकेडमी से खेलता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई। अब भैया पहला गोल एक बाल और इस प्रकार पहला गोल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देते हुए जावेद एक बाल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अब हम लोग को रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। एमाउंट कैसा रहा आज का मैच? आज का दूसरा मैच जबरदस्त रोमांचक मुकाबला था और हमारे साथ है आज के मैच के हीरो एडविन, मैन ऑफ द मैच। कैसा महसूस हो रहा है एडविन आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा था ना कभी फर्स्ट हाफ में जहां तक देखा गया कि आपकी टीम काफी उत्साहित थी, काफी आपका अटैक काफी हो रहा था। सेकेंड हाफ में देख रहा था थोड़ी पिछड़ रही थी या दूसरी टीम लय में आ चुकी थी, थोड़ा आप लोग इससे परेशानी थी आप लोगों को? कुछ परेशानी तो नहीं थी, बस कॉम्बिनेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। कॉम्बिनेशन करने में और देखा जा रहा था डिफेंस लाइन आपकी थोड़ी सी पिछड़ रही है। हां, थोड़ा कॉम्बिनेशन कर नहीं पाए और लास्ट में थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ तो गोल निकला। और तारीफ करनी होगी आपकी मिड लाइन की जिन्होंने अपने परफेक्ट पोजीशन पर रखा। आपको क्या लग रहा था कि आपकी टीम, कभी ऐसा लगा कि आपकी टीम पीछे जाएगी? लग रहा था कि मिस पास में गोल नहीं हो रहा तो हम लोग स्वाद खा सकते थे गोल। एक दो सिचुएशन ऐसा आए थे जैसे लग रहा था सीधे गोल में चले जाएंगे, लेकिन अच्छा रहा आप लोगों का मैच। आपने सबसे पहला जो आपने मिस किया, जो ओपन गोल आपने मिस किया था, कैसा महसूस हो रहा था एडविन? मिस हुआ तो फार तो नहीं माने थे, बट चांस क्रिएट होगा तो गोल होगा बोल के सोचे और थोड़ा सा निराश किया था राहुल मुखी ने पहले हाफ में आपने। हाँ हाँ, जो पहला गोल मिस हुआ था। जी जी, लेकिन फिर वापसी की उन्होंने और अच्छा गेम दिखाया। ठीक है एडविन, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेमीफाइनल मैच के लिए, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आज एडविन, मैन ऑफ द मैच मदरा मुंडा टीम के, बहुत बहुत धन्यवाद एडविन। तो आज का रोमांचक मैच आप लोगों ने देखा, पहले मैच में बिल्कुल मैकॉन स्पोर्ट्स ने एक तरफा मुकाबला बनाते हुए 3-1 से विजय हासिल किया, और आज के दूसरे रोमांचक मैच में मदरा मुंडा की टीम ने जीएफसी गाड़ी होटवार को 1-0 से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो प्यारे दोस्तों, अब हम फिर से कल आपसे मुलाकात करेंगे इसी मैदान पर, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहे। राज स्टूडियो वाला के साथ कैमरा में विजय जी और मैं हैं आपका दोस्त बिपिन पी कुजूर।